ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की खबर जैसे ही सामने आई, वैसे ही लगातार बयानबाजियों का दौर भारत में भी सामने आया। लेकिन इसी बीच ओवैसी के एक बयान ने सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी हैं। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ब्रिटेन में ऋषि सुनक के PM बनने पर कहा कि इंशाल्लाह एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की PM बनेगी। दरअसल कर्नाटक के बीजपुर में मीडिया ने उनसे शशि थरूर के एक ट्वीट पर प्रतिक्रिया मांगी थी, जिस पर उन्होंने कहा, मैंने तो कहा ही है कि मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। शशि थरूर ने दरअसल ट्वीट किया था कि मुझे लगता है कि हम सभी को ये स्वीकार करना होगा कि ब्रिटानियों ने दुनिया में कुछ बहुत ही दुर्लभ काम किया है, अपने सबसे शक्तिशाली कार्यालय में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को मौका दिया। हम भारतीय ऋषि सुनक के लिए जश्न मनाते हैं। इस पर मीडिया ने उनसे पूछा था कि क्या भारत में ऐसा हो पाएगा। इसी पर ओवैसी ने अपना जवाब दिया। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी का मकसद देश से मुसलमानों को हटाना है, और इसी दौरान ओवैसी ने जो कहा, जरा उसे भी सुन लीजिए। भारत से पूरे मुल्क से सेकुलरिज्म छोड़ करके जो डाइवर्सिटी है और इक्वल अपॉर्चुनिटी है उसको खत्म करना चाहते हैं। बीजेपी का असली चेहरा मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनी है। इलेक्शन लड़ना एक पॉलिटिकल पार्टी का काम है और हम इलेक्शन लड़ेंगे। जिस तरह आपने यूपी में बहुत ज्यादा सीटें बिठाई थी, कर्नाटक में भी प्लानिंग। इलेक्शन लड़ना है ना पॉलिटिकल पार्टी का काम, हम तो कोई NGO नहीं है। हमारा काम इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन लड़ेंगे और उस ताल्लुक से जब फैसला होना है पर इलेक्शन लड़ेंगे। क्या लड़ेंगे, कितने लड़ेंगे, वो हम सब बैठ के डिस्कस करके बात करके फैसला लेंगे। दरअसल AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से ऋषि सुनक पर इस बयान की अब आलोचना होने लगी है। ऋषि सुनक के बहाने उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। ओवैसी ने सीधे PM मोदी पर हमला बोला और कहा, सबका साथ सबका विकास सिर्फ एक जुमला है, जमीनी हकीकत कुछ और है, और वो चाहते हैं कि भविष्य में हिजाब पहनने वाली कोई लड़की भारत की प्रधानमंत्री बने। हालांकि जैसे ही शशि थरूर का जब ट्वीट सामने आया था, उस वक्त विपक्ष के सवालों का जवाब बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी दिया। उन्होंने पलटवार किया था। बीजेपी नेता ने कहा कि ऋषि सुनक के PM बनने के बाद कुछ नेता बहुसंख्यकवाद के खिलाफ एक्टिव हो चुके हैं। भारत में APJ अब्दुल कलाम और मनमोहन सिंह जैसे नेता भी सर्वोच्च पदों पर थे। वहीं आज एक आदिवासी नेता हमारी राष्ट्रपति हैं। भारतीय मूल के नेता ब्रिटेन के PM बन रहे हैं। इस मौके पर हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन दुख की बात यह है कि कुछ भारतीय नेता इस मौके पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि थरूर की तरह कांग्रेस नेता P. चिदंबरम ने भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पहले कमला हैरिस और अब ऋषि सुनक, अमेरिका और UK के लोगों ने अल्पसंख्यकों को देश के सबसे ऊंचे पदों पर पहुंचाने का काम किया है, और मुझे लगता है कि ये भारत और यहाँ की पार्टियों के लिए एक सबक है जो बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देती है। खैर जो भी हो, एक बार फिर से ओवैसी के एक बयान ने जिक्र छेड़ दिया है हिजाब को लेकर। दरअसल ओवैसी ने साफ तौर पर कहा, जिसके बयान की आलोचना हो रही है, उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब प्रधानमंत्री पद पर एक हिजाब पहनने वाली महिला बैठेगी। वीडियो डेस्क AmarUjala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।